आज हम करेंगे हैरी पॉटर के उड़ने वाले झाड़ू से एक्सपेरिमेंट। अगर इस झाड़ू को उठाना हो तो हर एक ऑब्जेक्ट की तरह इसके भी सेंटर ऑफ मास से ही इसको उठाएंगे तो आसानी होगी, लेकिन अगर इसको एक हाथ से किसी एक एंड से उठाएं तो इसको उठाना आसान नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट थोड़ा और हार्ड करने के लिए निम्बस 2000 को लाया हमने। इस झाड़ू को एक हाथ से एक एंड से उठाने में हमारे पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये उठेगा नहीं। बेसिकली ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इस बॉडी में मास ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इसकी वजह से झाड़ू के हर एक पॉइंट पे वेट के फॉर्म में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स मेरे हाथों से जितना दूर रहेगा उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ टॉर्क लगाएगा, जिससे बॉडी नीचे की तरफ घूमना चाहेगी। और इसी अपोजिट टॉर्क की वजह से इस बॉडी को एक हाथ से उठाना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ेंगे इसको उठाना आसान हो जाएगा।